ओडिशा राज्यपाल श्री गणेश लाल पत्नी परलोक घटी। राज्यपाल पत्नी सुशीला देवी चिकित्सित अवस्था मृत्युवरण कर सुशीला देवी गत नवेम्बर एक तारीख में कोरोना संक्रमित होते चिकित्सा चली था भुवनेश्वर एक घर हस्पिटाल चिकित्सा चली था तेज चिकित्साधीन अवस्था रविवार विलंबित रात्रि में परलोक घटी। राज्यपाल प्रोफेसर गणेश लाल धर्मपत्नी सुशीला देवी वियोग में मुख्यमंत्री नवीन पटनायक गभीर शोक प्रकाश कर जड़े धर्मप्राण एवं परोपकारी महिला थिले बोली मुख्यमंत्री कहते। राज्यपाल और शोक संतप्त परिवार को मुख्यमंत्री समवेदना जनाई। केन्द्रमंत्री धर्मेन्द्र प्रधान शोक व्यक्त कर श्री जगन्नाथ निकट में अमर आत्मार सदगति कामना कर शोक संतप्त परिवार को असीम साहस और धैर्य प्रदान करने को गुहारी कर तेज संपर्कित तो अधिक सूचना पाई आम सहित तो भुवनेश्वर सीधासख जोड़ी प्रतिनिधि इमरान खान। इमरान एक दुखद घटना कहपर कहीं राज्यपाल प्रोफेसर गणेश लाल धर्मपत्नी सुशीला देवी परलोक घटी और जहाँ सूचना रही गत काली मध्यरात्रि हिं परलोक घटी। अधिक अपडेट कौन रही देखते विस्मी आज राज्यर प्रथम महिला जी रही प्रथम पुरुष कह प्रथम महिला राज्यपाल प्रोफेसर गणेश लाल धर्मप्रति सुशीला देवी आज परलोक हो सूचना मिली गत काली रातिर भुवनेश्वर एक घर हस्पिटाल परलोक जहाँ सूचना आज सकाल मिली जहाँ सूचना बर्तमान सुधा रही मृत शरीर बर्तमान आसिक राजभवन में आसिक पहुंची सारी और जो विभिन्न व्यक्तिशेष आसिक राजभवन में बर्तमान पहुंची जेहेतु नवेम्बर एक तारिख दिन से राज्यपाल और धर्मपत्नी उभय कोरोना संक्रमित होता है जहाँकि दुई तारीख दिन खबर सामना को आसिक पहुंची था कि जेहतु जो सूचना बर्तमान सुधा मिली भुवनेश्वर एक घर हस्पिटाल चिकित्सा चलता से चिकित्साधीन थी गत काली रात मृत्यु होती आज सकाल खबर मिली और खबर मिलवा पर मुख्यमंत्री नवीन पटनायक शोक व्यक्त करता सहित केन्द्रमंत्री धर्मेन्द्र प्रधान शोक व्यक्त करते विभिन्न व्यक्तिशेष विभिन्न राजनेता वियोग में राज्यपाल धर्मपत्नी वियोग समस्त शोक व्यक्त कर परिवार प्रति संवेदना जनाई वर्तमान दृश्य देखी आम अच्छा राजभवन सम्मुखे और धर्मपत्नी मृत शरीर बर्तमान आसिक राजभवन में पहुंची सारी विभिन्न व्यक्तिशेष आसिक पहुंचुंव विभिन्न राजनेता कथ कहतु विभिन्न व्यक्तिशेष कथ कहतु समस्त आसिक उपस्थित रोचे लोक प्रतिक्रिया चेस्ट करेंगे कहीं जेहतु गोटे पर गोटे विभिन्न व्यक्तिशेष आसिक पहुंचे और आज किसी समय पर जो रही राष्ट्रीय सम्मान सहित कहींपर जो रही अंतिम संस्कार से विभिन्न व्यक्ति विभिन्न लोक आसिक पहुंचा दृश्य बर्तमान देखिए भितर आसिक बर्तमान मृत शरीर आसिक पहुंची सारी जहाँ सूचना रही नवेम्बर एक तारीख दिन से कोरोना संक्रमित होते चिकित्साधीन अवस्था गत काली मृत्यु होती किंतु मृत्युर कारण स्पष्ट होने पर कौन पर मृत्यु होती कौन रही तरह कारण कौन रही किंतु अनेपटे आम कहीपर जेहतु आज दुखद खबर रही समग्र राज्य बर्तमान जेहतु राज्यर प्रथम महिला आज वियोग परलोक होती भाव एक दुखद घटना से विभिन्न आम कहींपर विभिन्न माहौल शोक सब्यस्त कर समस्ते पर प्रति संवेदना जनाऊँच जेहेतु आप जानते राज्यपाल धर्मपत्नी सुशीला देवी नवेम्बर एक तारिख दिन कोरोन संक्रमित होते राज्यपाल निजे संक्रमित होते से निजे सूचना ट्वीट करते और जेहतु चिकित्सा चलता कि ताजा सूचना रही राज्यपाल सुस्थ हो सारी कि धर्मपत्नी जेहतु से चिकित्साधीन अवस्था थे कि मृत्युर कारण एपर्त स्पष्ट होना अनेपटे आप देखते हैं विभिन्न व्यक्तिशेष आसिक राजभवन में बर्तमान पहुंचुंट आउ किसी समय पर जो रही रीतिनीति रही रीतिनीति अनुसार अंतिम संस्कार करा विश्व सूत्र खबर बर्तमान मिली मृत शरीर को अंतिम संस्कार करने पूरी स्वर्गद्वार को कितु आप जानते हैं जेहतु किसी समय पूर्व मुख्यमंत्री नवीन पटनायक शोक व्यक्त करते केन्द्रमंत्री धर्मेन्द्र प्रधान शोक व्यक्त करते बीजेपी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बैजयंत पंडा शोक व्यक्त करते सहित विभिन्न व्यक्तिशेष परलोक धर्मपत्नी राज्यपाल धर्मपत्नी वियोग में समस्त शोक व्यक्त करते बर्तमान दृश्य आप देखते हैं ये गोटे पर गोटे व्यक्तिशेष आसिक पहुंचुंट राजभवन में राजभवन द्वार बर्तमान खोला होती है और समस्त आसिक धीरे धीरे पहुंचुंटर शेष दर्शन बर्तमान से करेंगे कितु आप जानते हैं जेहतु यह हूँ राष्ट्र बर्तमान राज्य एक दुखद खबर दुखद घटना निहत कोटि ना कोटि समस्त को शब्द बर्तमान कर दी जेहतु बर्तमान कोरोना महामारी समय चलती कोरोना जो गाइडलाइन रही कटक रही दृष्टि रखिकी सब रीतनीति हो सूचना रही जदि से कोरोना संक्रमित होकर मृत्युवरण करेंगे तो कोरोना जो गाइडलाइन रही से गाइडलाइन अनुसार अंतिम संस्कार होदि अण कोरोना संक्रमित अण कोरोना जब मृत्युवरण होती है तो जो रीतनीति रही रीतनीति
ରୀତି ଅନୁସାରେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର ଅନ୍ତିମ ସଂସ୍କାର କରାଯିବ। କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ କହିପାରିବା ଯେ ଆଉ କିଛି ସମୟ ପରେ ଆହୁରି ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷ ମଧ୍ୟ ଆସିକି ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି ରାଜଭବନ। ବର୍ତ୍ତମାନ ରାଜଭବନ ଗେଟ୍ ବର୍ତ୍ତମାନ ଖୋଲା ହୋଇସାରିଛି। ମୁଁ ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖିବି ଆହୁରି କିଛି, ଯେହେତୁ ଏଠି ଧୀରେ ଧୀରେ ଲୋକଙ୍କ ବର୍ତ୍ତମାନ ଭିଡ଼ ବଢ଼ୁଛି। ବିଭିନ୍ନ ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷ ମଧ୍ୟ ଆସିକି ଏଠି ପହଞ୍ଚୁଛନ୍ତି ରାଜଭବନ ସମ୍ମୁଖରେ। ସୁରକ୍ଷାକର୍ମୀ ଏଠି ମୁତୟନ ମଧ୍ୟ ହୋଇଛନ୍ତି। ଏବଂ ଅନ୍ୟପଟେ ଆପଣ ଦେଖିବେ, ଯେହେତୁ କିଛି ସମୟ ପୂର୍ବରୁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମଧ୍ୟ ଶୋକ ବ୍ୟକ୍ତ କରିଛନ୍ତି, କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ମଧ୍ୟ ଶୋକ ବ୍ୟକ୍ତ କରିଛନ୍ତି, ଏବଂ ବିଜେପିର ରାଷ୍ଟ୍ର ଉପାଧ୍ୟକ୍ଷ ସେ ମଧ୍ୟ ଶୋକ ବ୍ୟକ୍ତ କରିଛନ୍ତି। ନିହାତି ଭାବରେ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଦୁଃଖଦ ଖବର ବର୍ତ୍ତମାନ ରାଜ୍ୟ ପାଇଁ ରହିଛି। ନିହାତି ଭାବରେ ଆଉ କିଛି ସମୟର ଅପେକ୍ଷା, ତାପରେ ମଧ୍ୟ ଅନ୍ତିମ ସଂସ୍କାର କରାଯିବ। କିନ୍ତୁ କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ଏକ ଦୁଃଖଦ ଘଟଣା ବୋଲି ଆମେ କହିପାରିବା, କାହିଁକି ନା ଓଡ଼ିଶା ରାଜ୍ୟପାଳ ଶ୍ରୀ ଗଣେଶ ଲାଲଙ୍କ ପତ୍ନୀଙ୍କ ପରଲୋକ ଘଟିଛି। ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଇମ୍ରାନ ଆପଣ ସମସ୍ତ ସୂଚନା ପାଇଁ।